बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई एम इफ्रा काशिफ एंड यू आर वाचिंग बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम लोग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और जाते जाते बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिल सकें, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए आप लोग उसको मिस ना कर सकें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले है डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच में बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि किसी भी एक जनरल रूल से, किसी भी एक जनरल चीज़ से हम लोग स्पेसिफिक चीज़ की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी भी चीज़ का एक रूल, आप किसी भी चीज़ का एक रूल बता देते हैं, देन आप उसकी एग्जांपल बता देते हैं। तो ये है डिडक्टिव अप्रोच। अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँ तो मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि मैं आप लोगों को नाउन की डेफिनेशन बता देती हूँ। दैट व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ठीक है, देन मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि फैसलाबाद, उमर और वाटर बॉटल, ये सब कुछ जो है वो नाउन है। इसी तरह से मैं आपको एडजेक्टिव की एग्जांपल बता देती हूँ, उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि जो भी किसी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करे वो है एडजेक्टिव। और देन मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इंटेलिजेंट गर्न, तो गर्न की जो क्वालिटी है वो इंटेलिजेंट जो है वो गर्न की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि आपको एक जनरल रूल से, एक जनरल चीज़ से टूवर्ड्स द स्पेसिफिक चीज़ की तरफ लेके जाते हैं और एक रूल से एग्जांपल की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ और, डिडक्टिव अप्रोच जो है वो आपका चूज़ करना बेसिकली इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस टाइप की ऑडियंस से एड्रेस करें। आप ऑडियंस को देखकर भी अपनी अप्रोच चूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में, टीचिंग में या किसी भी पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग रिसेंट एग्जांपल लेते हैं कोविड-19 की। अगर हम लोग किसी गांव में जाते हैं तो हम लोग वहां पे जाके चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरह एक बीमारी आई मलेरिया, हेपेटाइटिस, ठीक है, इस तरह और भी वायरसेस आए, जिस तरह फ्लू है, उनको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह से एक नया वायरस आया, एक नया वायरल इन्फेक्शन आया है, डिफरेंट बीमारियों की तरह, डिफरेंट वायरल बीमारियों की तरह एक ये भी वायरल इन्फेक्शन आया जिसका नाम है कोविड-19। और फिर हम लोग आगे उनको एक्सप्लेन करते हैं, आगे उनको बताते हैं कि कोविड-19 को अवॉइड करने के लिए आप लोगों ने ये प्रिकॉशंस लेनी है, आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और इसका कोई भी क्योर नहीं है, इसकी कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, अगर किसी को हो जाए तो आप लोगों ने क्या क्या मेजर्स लेने हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस करनी है, जिस तरह मैंने आपको नाउन की और एडजेक्टिव की एग्जांपल बताई है, इस तरह आपको कोई भी एग्जांपल आपके जहन में और आए तो आप लोग मुझे मेक श्योर टू गिव इट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब जो डिडक्टिव अप्रोच है ना, वो बेसिकली एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टीचर होता है या जो स्पीकर होता है वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है और स्टूडेंट जो होते हैं वो जस्ट क्या करते हैं, वो जस्ट टीचर को लिसन करते हैं। तो स्टूडेंट की इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है या लिसनर की इसमें इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती। एज द वन हु इज़ स्पीकिंग एक्सप्लेन्स एवरी थिंग एंड इट इज़ जस्ट अ ड्यूटी ऑफ द लिसनर टू, हम कह सकते हैं कि वो उस चीज़ को देखे। ठीक है ना, कि क्या उसको बताया जा रहा है, क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट अप्रोच की तरफ मूव करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच जो है वो बेसिकली डिडक्टिव अप्रोच का बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट है। इंडक्टिव अप्रोच में ये होता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक चीज़ से एक जनरल रूल की तरफ मूव करते हैं। हम लोग पहले एग्जांपल्स देते हैं और एग्जांपल से हम लोग रूल की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं स्टूडेंट के सामने कोई भी टॉपिक नहीं रखती, ठीक है, मैं उसके सामने तीन नाम रख देती हूँ। ठीक है, उमर, वाटर बॉटल और फैसलाबाद, मैं ये तीन नाम रख देती हूँ और स्टूडेंट को सोचने या कहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को सोचें कि ये उमर, ये और ये वाटर बॉटल, फैसलाबाद, ये क्या चीज़ है। फिर वो मैं उसको डिफाइन करती हूँ कि ये सब कुछ जो है वो नाउन है। क्यों? क्योंकि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। सेम इज़ द केस में एडजेक्टिव के साथ भी इसी तरह से करती हूँ। सही है, अगर आप लोग अभी जो मैंने पिछले कोविड-19 की एग्जाम्पल दी, तो आप लोग वहाँ पर जाके ये नहीं बताएंगे कि अगर आप किसी शहर में चले जाएँ या किसी जगह में चले जाएँ जहाँ सब लोग कोविड-19 के बारे में ये पता है, आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि कोविड-19 बेसिकली एक बीमारी है। आपने पहले सारी ये तशरीह नहीं करनी, आप वहाँ पे जस्ट जाएंगे, आप वहाँ पे जाकर ये कहेंगे कि कोविड-19 के ये प्रिकॉशंस हैं, इस तरह से आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, किसी को हो जाए तो इस तरह से आपने क्योर करना है और इसकी अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं है।
ठीक है, फिर बेशक आप बाद में ये बता दें कि COVID-19 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, एक बीमारी है, इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह से आप चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इस तरह से आप चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। तो कुछ हद तक आपकी ऑडियंस से भी डिफेंड करते हैं, लेकिन मेरे लिए इंडक्टिव अप्रोच जो है मुझे वो पर्सनली ज़्यादा पसंद है। उसकी रीज़न ये कि इंडक्टिव अप्रोच जो है ना वो स्टूडेंट सेंटर और लिसनर सेंटर ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो है ना मेरे ख्याल से चीज़ों को जितना ज़्यादा डिस्कस करके, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करके, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करके, डिस्कशन के थ्रू लर्न किया जा सकते हैं ना, उतना किसी तरह लर्न नहीं किया जा सकता। और इंडक्टिव अप्रोच में यही तो होता है कि तीन नाम आपके सामने रख दिए, इंटेलिजेंट गर्न का आपके सामने रख दिया और आपको कह दिया कि इसमें से बताएं इंटेलिजेंट गर्न में इंटेलिजेंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसमें ऑडियंस जो है उनको सोचने का मौका मिलता है, ठीक है, वो चीज़ों को सोचते हैं और आगे फिर अपनी थिंकिंग को प्रोसीड करते हैं। इसी वजह से इसको स्टूडेंट सेंटर अप्रोच या निस्तर सेंटर्ड अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि स्टूडेंट ने या निस्तर ने न्यू चीज़ें वो सीखता है और वो खुद से जो है वो अपना नॉलेज जो है वो गेन करता है। एग्जाम्पल्स हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, अब इंडक्टिव वर्सेज डिडक्टिव अप्रोच में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब इंडक्टिव अप्रोच में हमने जैसे पहले डिस्कस किया, हम लोग एक एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं और बाद में हम लोग किसी भी चीज़ के कंक्लूजन की तरफ आते हैं, किसी भी चीज़ के रूल की तरफ आते हैं, ठीक है, उस चीज़ को जनरलाइज करके बताते हैं, मतलब स्पेसिफिक तो जनरल ना ये। और अगर हम लोग दूसरी तरफ डिडक्टिव अप्रोच को देखें, डिडक्टिव अप्रोच में हम लोग लॉजिक और रीज़न को यूज़ करते हैं, पहले हम लोग किसी भी चीज़ की लॉजिक बताते हैं, जिस तरह मैंने नाउन की आपको लॉजिक बताई, उसकी डेफिनेशन बताई, उसको समझाया, और देन हम लोग किसी भी चीज़ के कंक्लूजन या ओपिनियन की तरफ आते हैं, तो ये हो गई डिडक्टिव अप्रोच। अब आगे इनका फर्दर जो है वो डिफरेंस बताया हुआ है कि डिडक्टिव अप्रोच जो है वो कोई न्यू नॉलेज प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है, और इंडक्टिव अप्रोच गिव्स न्यू नॉलेज। डिडक्टिव अप्रोच मेथड ऑफ वेरिफिकेशन है, किस तरह से मेथड ऑफ वेरिफिकेशन है, मैंने नाउन की डेफिनेशन बता दी, मैं उसको वेरीफाई कर रही हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। हाउएवर इंडक्टिव अप्रोच में मैंने क्या किया कि अपने लिसनर्स को कह दिया कि वो डिस्कवर करें, वो टॉपिक को डिस्कवर करें कि हम लोग किस चीज़ को लिसन कर रहे हैं, या फिर वो इस चीज़ को डिस्कवर करें कि मैंने उनको एग्जाम्पल्स बता दी हैं, अब वो इसके थ्रू किसी भी चीज़ की डेफिनेशन या किसी भी चीज़ की लॉजिक को जो है वो डिस्कवर करें, उन्होंने इस चीज़ के बारे में खुद सोचना है। डिडक्टिव अप्रोच में फिर ये होता है कि आप जो हैं वो किसी भी चीज़ की इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, आप उसकी डेफिनेशन के थ्रू उसकी इंस्ट्रक्शन सारी प्रोवाइड कर देते हैं। हाउएवर इंडक्टिव अप्रोच जो है वो मेथड ऑफ टीचिंग है, आप किसी इंसान को टॉट करते हैं, ठीक है, आप उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं और आगे फिर आप उसको थिंक करने की, डिस्कवर करने की चीज़ों को उसको आप टीच कर रहे हैं ना कि आपने किस तरह से आगे प्रोसीड करना है, चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है डिडक्टिव में या जो लिसनर होता है उसको रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिस तरह डेफिनेशन से हम उसको लॉजिक जो प्रोवाइड कर देते हैं तो उसको एक पकी पकाई खीर, एक लॉजिक जो है वो मिल जाती है, ठीक है, और वो उसका यूज़ करता है। लेकिन इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच में रेडीमेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसमें चाइल्ड जो है वो खुद किसी चीज़ को एक्वायर करता है। अच्छा, अब एक्वायर मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को खुद गेन करें, किसी का खुद नॉलेज जो है वो गेन करें, ठीक है, इसमें हम लोग चाहे लर्न नहीं करता चीज़ों को, इसमें वो चीज़ों को एक्वायर करता है, वो चीज़ों को सीखता है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, कहते हैं अच्छा अच्छा अगर यहाँ पे ये मुझे कहा गया, अच्छा ये अली, ये सब लोग चीज़ों के नाम है, वो अच्छा हाँ माइट भी ऐसा हो कि सब चीज़ों के नाम, अच्छा किसी भी चीज़ का जो नाम है वो इस ग्रामेटिकल कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है, तो फिर अच्छा अच्छा फिर वो थोड़ी सी हेल्प लेगा, उस ग्रामेटिकल कैटेगरी को हम लोग नाउन कहते हैं। अब डिडक्टिव अप्रोच जो है वो एक क्रूस क्विक प्रोसेस है, नेक्स्ट टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन और सिंपल एग्जांपल बता देते हैं। हाउएवर इंडक्टिव अप्रोच एक क्विक प्रोसेस नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि हम लोग निस्तर को या जो स्टूडेंट होता है उसके खुद इन चीज़ों के बारे में सोचना होता है, सही है। अब डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग दूसरों के ऊपर, टीचर के ऊपर, डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो हमें कोई गाइड करता है और हम लोग फिर उस नॉलेज को गेन करते हैं। हाउएवर इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को खुद ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, हम लोग अपने माइंड से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स बता दी गई हैं, हमें नॉलेज खुद से ढूंढनी है, हमें नॉलेज खुद से ड्राइव करनी है, ठीक है, तो हम लोग चीज़ों, इसकी वजह से उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है जो स्टूडेंट होता है उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद डिडक्टिव अप्रोच में जिस तरह मैंने पहले ही बताया टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, इसकी वजह से इसमें जो स्कोप ऑफ एक्टिविटी है वो नेस है, एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव अप्रोच जिसमें आपने खुद सोचना है, आपने खुद सोच के जो है वो एक लॉजिक की तरफ आना है। ये था यहाँ का आज तक का लेक्चर, आप लोगों कोई भी क्वेश्चन हो तो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।